एक एनकाउंटर में और सही एनकाउंटर आदमी का फर्क होता है। जहाँ एनकाउंटर की जरूरत होती है पुलिस चूकती नहीं है, ना चूकना चाहिए किसी भी देश या प्रदेश के अंदर। जब फेक एनकाउंटर करेगा आपकी जो मार दो तब जा करके, ये आप जो बता रहे हो पहले ऐसी दो घटना हुई थी, दो घटनाएं जिसमें आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट तक केस चले थे, वो अलग बात थी। राजस्थान में फेक एनकाउंटर का रिवाज नहीं है, ना हम चाहते हैं रिवाज पैदा हो। उसके कई मायने होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं, पब्लिक को भी नुकसान होता है। फेक एनकाउंटर के माध्यम से आप एक निर्दोष को मार सकते हो, दुश्मन निकालने के लिए वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। परंतु जरूरत है, आगे वाले हथियारबंद है, फायरिंग कर रहा है, वहाँ अगर फेक एनकाउंटर की जगह जेन्युइन एनकाउंटर है तो कौन रोकता पुलिस को? ये बात तो एनसीआरबी का जो है वार्ता की जो पुस्तिका है क्राइम ब्यूरो की, उसमें उन्होंने खुद ने स्पष्ट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, क्राइम इन इंडिया 2021 में अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। कुछ लोग इन दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। ये गलती जानबूझ के कर रहे हैं हमारे विपक्षी पार्टी के लोग। उनको मालूम है भारत सरकार में आज जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उनकी पार्टी लोग ये लोग हैं। इनको मालूम है कि अपराध में पंजीकरण, अपराध में वृद्धि में फर्क है, ये भारत सरकार कह रही है, उनकी एनसीआरबी की बुक कह रही है। तभी जानबूझ करके गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक को भी और पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं राजस्थान को, जबकि हकीकत दूसरी है। नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रकरणों में वर्ष 21 में राजस्थान देश में 12वें स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, गुजरात छठे स्थान पर रहा है। रेप विद मर्डर, बलात्कार जो मर्डर होते हैं, राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आसाम दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये जो विपक्ष के लोग जो हैं जिस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं, वो पूरी एक्सपोज हो जाते हैं इन आंकड़ों से, किस प्रकार से जानबूझ करके इनके केंद्रीय नेता भी, केंद्रीय मंत्री भी, प्रधानमंत्री बनाने में नहीं चूकते लोग राजस्थान बदनाम करने के लिए। कहाँ तो मणिपुर क्रेज चल रहा है, रेप हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक बता रहे हो फैसला लो आप, तो सोने की घटना रेप भी हो चुकी है हमारे यहाँ पर, हजारों अफवाह दर्ज हो रही है। उस राज्य को कंपेयर करें प्रधानमंत्री खुद राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को, आप सोच सकते हो ये आंकड़े सबको एक्सपोर्ट करने वाले आंकड़े हैं।